नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो जो प्लांट किंगडम है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट। जिसमें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में जो मॉसेज है और फर्न्स है, जो नॉन वेस्कुलर में जो मॉसेज है, और फिर वेस्कुलर प्लांट्स में जो लोअर प्लांट्स में जिसके अंदर सीड्स नहीं होते, फर्न्स। ये दो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं वेस्कुलर प्लांट्स में जिनके अंदर सीड्स होते हैं वो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि अभी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अब इनमें भी जो डाइकॉट और मोनोकॉट है हम लोग वो पढ़ रहे हैं, वो एंजियोस्पर्म्स के प्लांट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है। एंजियोस्पर्म को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। तो आज की क्लास हमारी उसी के बारे में। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या है कि जो एंजियोस्पर्म है उनको डिवाइड किया हुआ है मोनोकॉट और डाइकॉट्स में। तो जो जाइगोट होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो फर्स्ट लीव निकलती है यंग प्लांट्स के अंदर, वो कॉटिलेडंस कहलाता है। जैसे जैसे ही सीड है वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करते ही उगता है, जैसे ही उसमें से जो पहली पत्ती निकलती है वो एक्चुअल में वही कॉटिलेडन है या फिर एम्ब्रियोनिक लीव है। तो मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल कॉटिलेडंस होता है, डाइकॉट के अंदर टू कॉटिलेडंस होते हैं। मोनोकॉट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉर्न, मक्खी, और डाइकॉट का जैसे बीन हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब। तो यहाँ पे इनके अंदर बहुत सारे और भी डिफरेंसेस है। तो पहला डिफरेंस वही बात है कि मोनोकॉट के अंदर नाम ही जो है कि मोनो यानी सिंगल, कॉट यानी कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन है यानी कि वन सीड लीव, और डाइकॉट का दो कॉटिलेडन्स यानी कॉट यानी कॉटिलेडन्स, तो दो सीड्स है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी कि ये जो स्टोरेज फूड है ये एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो, और बाहर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सीड कोट की है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे जैसे सीड इमर्ज करता है तो मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल पत्ती निकलती है, और जबकि डाइकॉट के अंदर दो पहले पत्तियां जैसे निकलती है, जो एक्चुअल में पत्ती होके कॉटिलेडन्स होते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे जो मोटी सी पत्ती जैसे, ये एक्चुअल में पत्ती नहीं होती है, कॉटिलेडन्स होते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं होती है। तो इन कॉटिलेडन्स को फोटोसिंथेटिक काम करना होता है, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना होता है। अब तो इसीलिए बिगनिंग में ग्रीन होती है। उसके बाद में जो सेकेंड मेजर डिफरेंस है वो इनके लीफ के वेनेशन पैटर्न के अंदर है। तो मोनोकॉट्स के अंदर आप देखेंगे कि पैरेलल यानी कि एकदम ऐसे सीधी सीधी वेन्स जा रही होती है, और जबकि जो ये डाइकॉट है, ये डाइकॉट के अंदर आपको देखोगे कि नेट जैसा या फिर रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं इसको, नेट जैसा एकदम इस टाइप से किसी भी साइड में जैसे इस टाइप से होता है, ये डाइकॉट के अंदर वेनेशन होता है। तो ये वेन्स का क्या काम होता है, खाना पानी ये पहुंचाने का पूरी पत्ती के अंदर। तो ये सेकंड मेजर डिफरेंस है कि जो मोनोकॉट्स है उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होती है, और डाइकॉट के अंदर नेट लाइक वेनेशन या रेटिकुलेट वेनेशन होती है। उसके बाद में फिर लीफ में एक और आप देखेंगे कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके जो शीथ से अटैच होता है जो ब्लेड, यानी कि जो एक्चुअल में जो पत्ती वाला पार्ट है, लेमिना है, वो स्टेम के साथ एक शीथ जैसा स्ट्रक्चर, शीथ स्ट्रक्चर होता है, उससे अटैच होता है। जबकि जो डाइकॉट्स होता है उनमें जो पत्ती है वो स्टेम के साथ पिटियोल से, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा पिटियोल, पिटियोल है ना, इससे अटैच होती है। और इसके अंदर आपको ये वेनेशन भी दिख रहा होगा, ये पूरा वेनेशन, जैसे ये है मिडल वेनेशन, ये मिड वाली लाइन है, या फिर और फिर ये जो साइड में ऐसे जो जा रही है ये लेटरल वेन्स है। तो ये वेन्स का इनके फर्क है। उसके बाद में इसमें आपको ये एक तरह से आपका असाइनमेंट है कि आप बताइए कि जो ए वाली पत्ती है उसके अंदर कौन सा वेनेशन है, बी वाली पत्ती है उसके अंदर कौन सा वेनेशन है। तो एक थोड़ा सा हिंट है, ए वाली में आप देख पा रहे होंगे कि सीधी सीधी वेन्स जा रही हैं, और बी वाले में उसमें थोड़ी वही है कि जाली नुमा सा है, यानी कि नेट जैसा है। तो अब आप गैस आराम से कर ही पा रहे होंगे इसमें कि कौन सा है वेनेशन। उसके बाद में अगर इसकी लीव्स की क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसकी एनाटॉमी ऐसा दिखेगी, जो ऊपर वाला जो ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन है, ये लीफ की एनाटॉमी है मोनोकॉट की, और सेकंड वाला जो बी वाला जो नीचे वाला है ये वाला, ये डाइकॉट की लीफ की एनाटॉमी है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आपको इसका दिखेगा। तो जो मीसोफिल सेल डाइकॉट्स के अंदर होते हैं वो बेसिकली पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि पैलिसेड यानी कि लंबे लंबे सेल्स, और स्पंजी पैरेन्काइमा यानी कि थोड़े दूर दूर सेल जो बिखरे हुए हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वापस से हम इस डायग्राम में आते हैं, तो ये जो लंबे लंबे आपको सेल्स दिख रहे हैं
ये पैलिसेड सेल्स है, और ये जो आपस में ये जो लूज लूज यहाँ पे आपको अलग अलग से बिखरे जो सेल्स दिख रहे हैं ना, ये स्पंजी पैरेन्काइमा है। तो मिसोफिल जो जो मिसोफिल रीजन है डाइकॉट्स का, वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा भी मतलब डिवाइडेड है, जबकि जो मोनोकॉट्स है उसमें ऐसा डिफ्रेंशिएशन आपको पैलिसेड और स्पंजी में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप ऊपर वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि आपको ऐसे कोई भी पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा टाइप के मिसोफिल सेल्स के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है ना। सेकेंड है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू जो वेस्कुलर बंडल है डाइकॉट्स के अंदर, वो ओपन होता है। ओपन यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जबकि जो मोनोकॉट्स है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल क्लोज है, यानी कि उनके अंदर कैम्बियम नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जो बंडल शीथ है वो पैरेन्काइमेटस है। बंडल शीथ यानी कि जो वेस्कुलर बंडल को घेरे हुए रखा है, ये बंडल शीथ है, ये सारी बंडल शीथ सेल है, ये यहाँ पे ये बंडल शीथ सेल है, यानी कि जो वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर है उसके ऊपर जो ये मोटी परत वाले आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये बंडल शीथ सेल्स है। तो ये बंडल शीथ सेल है, ये पैरेन्काइमेटस होती है डाइकॉट्स के अंदर। तो इतनी डिफ्रेंशिएट नहीं, आप इसको अलग से नहीं पहचान पाते हो, तभी आपको इसके अंदर कुछ जो ये वाला है, ये वाला पार्ट मिडल वाला जो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको बाहर से कुछ आप बाउंड्री टाइप की नहीं देख पा रहे हो, जबकि मोनोकॉट के वेस्कुलर बंडल के ऊपर आपको प्रॉपर बाउंड्री जैसे दिख रही है। ये क्यों दिख रही है? क्योंकि इसके अंदर जो बंडल शीट सेल है वो पैरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं, स्केलेन्काइमेटस यानी कि थिक वॉल्ड भी, वो मेनली थिक वॉल्ड होंगे, उनकी जो वॉल होगी वो काफी मोटी होगी। उसके बाद में जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं वो कॉलेन्काइमेटस सेल्स लोकेटेड बिलो द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस अपोजिट टू द बंडल्स। अब क्या है कि कॉलेन्काइमेटस होते हैं ये जो सपोर्टिंग सेल, नीचे जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, इसमें जो डाइकॉट है इसका ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, एपिडर्मिस हो गया है ना, ये नीचे भी इस टाइप से, इनके जस्ट नीचे यहाँ पे कॉलेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग सेल्स ही होते हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है, जबकि जो जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर फाइबर्स होते हैं, यानी कि अबव और बिलो द बंडल्स ये यहाँ पे फाइबर्स मींस कॉलन स्केलेन्काइमेटस सेल्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि जो जनरली मैच्योरिटी के बाद डेड हो जाते हैं। उसके बाद में जो थर्ड मेजर डिफरेंस है वो स्टेम की टाइप में है। मोनोकॉट्स के अंदर आप देखेंगे कि हर्बेशियस आपको स्टेम देखने को मिल रही है, हर्बेशियस में जैसे आप देखते हैं कि गेहूं हो गया या मक्का हो गया, उनमें आपको हर्बेशियस देखने को मिलती है, और जबकि जो डाइकॉट है उनके अंदर हर्बेशियस भी हो सकती है और वुडी टाइप की भी हो सकती है। तो बड़े बड़े जितने भी ये ट्रीज वगैरह ये सारे डाइकॉट्स हैं, और मोनोकॉट्स में सबसे बड़ा जो एक प्लांट है वो बनाना का है, यानी कि केले का है, केले से बड़ा आपको मोनोकॉट देखने को नहीं मिलता है जनरली। अब वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, वेस्कुलर बंडल का क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट वेसल्स होती है प्लांट के अंदर, यानी कि ये खाना और पानी प्लांट्स के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करती है। तो मोनोकॉट के अंदर आपको जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई आपको पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि डाइकॉट्स के अंदर आपको अरेंज्ड एक प्रॉपर रिंग के अंदर आपको ये वेस्कुलर बंडल्स है, ये वाले ये ना, ये आपको एक प्रॉपर ऐसे बाहर की तरफ रिंग में अरेंज है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मोनोकॉट की स्टेम है, इसमें ये डार्क डार्क जो स्टेन्ड दिख रहे हैं ना, ये हर जगह ये पूरी स्टेम में बिखरे हुए हैं, तो ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं मोनोकॉट्स के अंदर, डाइकॉट के अंदर एक रिंग के अंदर अरेंज होते हैं। ये वापस से डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के आप डिफरेंस देखेंगे, तो जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो ओपन होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम है, उनके अंदर आपको बीच में कैम्बियम रिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो कैम्बियम रिंग अगर देखने को नहीं मिलेगी यानी कि इनकी सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, और जबकि जो डाइकॉट्स हैं उनके अंदर कैम्बियम रिंग देखने को मिलती है जाइलम और फ्लोएम के अंदर, इनकी उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो ट्री बनते हैं बड़े बड़े वुडी ट्रीज वगैरह बनते हैं जिनका तना काफ़ी मोटा होता है, और हर्बेशियस जो मोनोकॉट्स है वो हर्बेशियस यानी कि कम मोटाई वाले तो तने हर्बेशियस रहने का रीज़न ये है कि इनके अंदर जाइलम कैम्बियम नहीं बन पाता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती और जिससे तने की मोटाई और नहीं हो पाती है, तो इसीलिए ये थ्रू आउट देयर लाइफ दे ये हर्बेशियस ही रहते हैं ना। अब सेकेंड जो पॉइंट है कि जो वेस्कुलर बंडल है वो सिंगल रिंग के अंदर अरेंज होता है,
और इसका जो सेंट्रल रीजन होता है पित्त, वो आपको प्रॉपर दिखता है पित्त इसके अंदर, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर बंडल और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, और इसके अंदर आपको कोई ऐसे प्रॉपर आपको पित्त वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि कॉर्टेक्स और जो मेडुलरी रेज है, पित्त है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये सब आपको प्रॉपर मार्क्ड दिखेंगे क्योंकि इसके अंदर एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि थर्ड पॉइंट यही है कि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं, तो आपको प्रॉपर आपको ना कॉर्टेक्स का पता चलेगा मोनोकॉट्स के अंदर, ना मेडुलरी रेज का पता चलेगा, मेडुलरी रेज ना पित्त का पता चलता है, ना पेरिसाइकल एंडोडर्मिस, ये कुछ भी इनडिस्टिंग्विश्ड होती है, इनका कुछ भी क्लियर पता ही नहीं चलता क्योंकि वेस्कुलर बंडल पूरे बिखरे हुए होते हैं। जो हाइपोडर्मिस है जो डाइकॉट्स के अंदर, वो कॉलनकाइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस यानी कि जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो कॉलनकाइमेटस, वही पहले भी बताया था कॉलनकाइमेटस सेल्स कौन से होते हैं, जो जनरली लिविंग सेल्स होते हैं जिनके ऊपर जो पैरेन्काइमेटस नॉर्मल सेल्स है उनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है, बट वो लिविंग ही रहते हैं। जबकि जो मोनोकॉट्स है उनके जो हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस से नीचे वाली जो लेयर होती है वो स्केलेनकाइमेटस होती है। तो स्केलेनकाइमेटस सेल्स क्या होते हैं कि ये भी बिगनिंग में यंग होते हैं, तब तो ये लिविंग होते हैं, और बट जैसे वे मेच्योर होते हैं ये मर जाते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो भी बहुत ज्यादा थिक होती है। ये कॉलनकाइमेटस से भी अगर बात की जाए तो इनकी थिक होती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो कॉलनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल मोटी होती है, जबकि स्केलेनकाइमेटस सेल्स हैं इनकी सेल वॉल मोटी है बट ये डेड सेल। अब जो मोनोकोट स्टेम है उनके हमने पढ़ ली, बात कर ली कि स्कैटर्ड होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू के अंदर, और जबकि जो डाइकॉट्स है उनके अंदर ये रिंग बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। तो ये आपको एनाटॉमी देखने को मिल रही है, जो एक्चुअल जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो ऐसी एनाटॉमी आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये एक और आपको क्लियर इमेज है कि वेस्कुलर बंडल इसमें कैसे दिख रहे हैं। टिपिकल मोनोकॉट, ये एक कॉर्न का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें पूरे पूरे वेस्कुलर बंडल कैसे बिखरे हुए हैं, और सेकंड जो है वेस्कुलर बंडल डाइकॉट के कैसे एकदम प्रॉपर रिंग के अंदर है। ये एक इनका लाइन डायग्राम है वेस्कुलर बंडल दोनों के स्टेम का, मोनोकॉट की स्टेम का और डाइकॉट की स्टेम का। ये वाला सेलुलर डायग्राम है यानी कि इसके अंदर आपको सेल प्रॉपर बनाए हुए दिख रहे हैं, और ये वाला लाइन डायग्राम है। तो ये भी आपके प्रैक्टिकल व्यू ऑफ पॉइंट से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में फोर्थ जो डिफरेंस है वो इनकी रूट्स में है। जो मोनोकॉट की रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट होती हैं, जबकि जो डाइकॉट की रूट्स होती हैं वो टेप रूट होती हैं। तो ये फाइब्रस जो रूट्स होती हैं ये क्या होता है कि जैसे प्राइमरी जो रूट होती है वो पौधा जैसे बनता है तो उसकी जो प्राइमरी रूट है वो मर जाती हैं, और नई रूट्स जो बनती हैं वो पूरी स्टेम से छोटी छोटी रूट्स इक्वली स्टेम से निकलती है, तो वो फाइब्रस रूट होती है, ज्यादा अंदर तक जमीन तक नहीं जा पाती हैं। जबकि जो टैप रूट्स होती हैं वो प्राइमरी रूट्स ही होती हैं, और आगे इनकी स्मॉल ब्रांचिंग यानी कि छोटी छोटी इनकी ब्रांचिंग होती रहती है, और जिसके कारण ये जो रूट है वो काफी जमीन के अंदर तक जाके पानी वगैरह एब्जॉर्ब कर पाती है। अब ये रूट का स्ट्रक्चर है, ये एनाटॉमी रूट की दिखाई हुई है मोनोकॉट की और डाइकॉट की, जिसका आगे यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। ये क्रॉस सेक्शन मोनोकॉट की रूट्स का है और डाइकॉट की रूट का है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो मोनोकॉट की रूट है ऊपर वाली, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सेम ऐसे ही कि जो वेस्कुलर बंडल है वो बहुत सारे हैं, और बीच में आपको पिथ प्रॉपर ये पिथ वाला पार्ट भी दिख रहा है ना। जबकि आप इसमें देखेंगे इसके अंदर आपको कोई पित वाला पार्ट नहीं दिख रहा है डाइकॉट के अंदर, है ना, और इसके अंदर आपको जो वेस्कुलर बंडल यानी कि जो ये बीच वाला ये जाइलम वाला जो पार्ट है आपको, ये एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ जाइलम्स है ना, रेडियल अरेंजमेंट है जाइलम का इसके अंदर, और जबकि इसके अंदर बहुत सारे जाइलम्स, ये आपको ये जो जाइलम्स ये बहुत सारे इसके अंदर जाइलम है, और साइड साइड में इसके ये जो ये दिख रहे ना फ्लोएम वाला पार्ट है। तो मोनोकॉट्स के अंदर पित आपको दिखती है प्रॉपर डेवलप हुई हुई, जबकि डाइकॉट्स के अंदर आपको पित नहीं दिख रही है। सेकंड, जो वेस्कुलर बंडल का जो नंबर्स है वो डाइकॉट के अंदर जनरली लिमिटेड यानी कम होता है, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर काफी ज्यादा होता है।
ये आप थोड़ा सा एंडोडर्मिस का अल्ट्रास्ट्रक्चर बताया हुआ है. एंडोडर्मिस किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है. कैस्पेरिन स्ट्रिप के अंदर सुबेरिन करके एक मटेरियल होता है जो कि पानी को रोकता है. ये एक तरह से वैक्सी मटेरियल ही है जिससे पानी जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि एपोप्लास्टिक जो मूवमेंट होता है वो ना होके फिर ये इस एंडोडर्मिस के बाद में सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करना पड़ता है, यानी सेल के अंदर से प्रोटोप्लाज्म के अंदर से मूवमेंट करना पड़ता है इसके कारण. तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया हुआ है. तो अब मेन जो डिफरेंस आता है वो एंडोडर्मिस में जो डाइकॉट की जो एंडोडर्मिस होती है वो रेडियल वॉल पे डिपॉजिट होती है, यानी कि रेडियल यानी कि जो ये लंबाई वाली ये जो रेडियल यानी कि ऐसे रेडियल. और ट्रांसवर्स क्या होता है? इस टाइप का, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं. तो जो डाइकॉट है उसके अंदर जो कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है वो डिपॉजिट होती है रेडियल वॉल्स के अंदर, जबकि जो मोनोकॉट है वो कैस्पेरिन स्ट्रिप रेडियल और टेंजेंशियल वॉल है दोनों के अंदर डिपॉजिट होती है. उसके बाद में सेकंड जाइलम और फ्लोएम का, इनके अंदर नंबर जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर 2 से 8 तक होता है, यानी कम ही होता है, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर बहुत ज्यादा नंबर होता है, न्यूमरस होता है. थर्ड जो पिथ है वो या तो एब्सेंट होती है या फिर आपको बहुत कम देखने को मिलती है डाइकॉट्स के अंदर, जबकि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर आपको प्रॉपर पिथ देखने को मिलती है ना. ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मोनोकॉट के अंदर आपको प्रॉपर पिथ देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये ऊपर ये प्रॉपर आपको पिथ देखने को मिल रही है यहाँ पे, जबकि डाइकॉट्स के अंदर आपको यहाँ पे कोई पिथ देखने को नहीं मिल रही है ना. अब फिफ्थ जो एक और मेजर डिफरेंस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके फ्लोरल पार्ट्स के अंदर, फ्लोरल पार्ट्स में जैसे मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे. ये जनरली 3 होते हैं या फिर 3 के मल्टीपल, यानी 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इस टाइप से, बट जनरली ये 3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं. डाइकॉट्स के अंदर जो सेपल्स और पेटल हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होते हैं, यानी कि या तो 4 होंगे या फिर 8 होंगे या फिर 5 होंगे या फिर 10 होंगे, इस टाइप से 4. तो ये है मोनोकॉट्स का. अब फ्लावर पार्ट वापस से देखा जाए तो ये मोनोकॉट्स में ग्रुप ऑफ 3 होते हैं, डाइकॉट्स के अंदर 4 और 5 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. अब इनकी ये पूरा जितना आपने डिफरेंसेस पढ़े हैं उसकी ये एक समरी है जो कि डायग्रामेटिक तरीके से बताई हुई है. तो मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलेडन होते हैं जबकि डाइकॉट के अंदर 2 कॉटिलेडन होते हैं. सेकंड जो मोनोकॉट्स है उनके अंदर जो लीफ है उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होती है, जबकि जो डाइकॉट है उनकी लीफ के अंदर नेट लाइक वेनेशन होती है. थर्ड जो स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल है मोनोकॉट के उसके बिखरे हुए होते हैं स्टेम के अंदर, जबकि जो डाइकॉट में जो स्टेम है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर अरेंज होते हैं. फोर्थ जो मोनोकॉट्स है उनकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है और डाइकॉट के अंदर टेप रूट होती है. सिक्स्थ है मोनोकॉट्स के अंदर जो फ्लोर प्लांट होते हैं वो यूजुअली मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, यानी कि 3 के गुणा करने की जो संख्या होती है वो उतने होते हैं, जबकि मोनोकॉट डाइकॉट्स के अंदर वो या तो 4 होंगे या 5 होंगे या फिर जैसे 8 होंगे 10 होंगे, इस टाइप से वो मल्टीपल ऑफ 4 और 5 होंगे. ये वापस से वही चीज को रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि कॉटिलेडन 1 होता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में 2, लीफ वेनेशन पैरेलल है, उसमें नेट है, रूट फाइब्रस है, टैप है, ये सेम ही बात है. और बस एक जो प्लांट्स है वो मोनोकॉट्स के अंदर हर्बेशियस होते हैं, डाइकॉट के अंदर हर्बेशियस और वुडी दोनों हो सकते हैं. तो ये अपनी आज की क्लास थी. थैंक यू.